1570 रुपए की, आपको ये कोई देगा 1570 रुपए की? 1800 रुपए की मार्केट रेट है मिनिमम। मरकजी ने कहा अकील भाई के बचत बाजार में यही क्वालिटी है। अच्छा आप ये सामने रेट लिखे हुए आ रहे बेटा सही, ये देखे सामने रेट लिखे हुए दोनों में 300 रुपए। यहाँ कितने का बेटा ये? 260। जो मसाले 200-200 रुपए के मिलते थे 80-80 रुपए के 125 ग्राम यहाँ पे मौजूद है। ये चीज कैसे मिलेगी, आप तक कैसे पहुंचेगी, कब ऑन होगा, क्या होगा, ये वीडियो में पूरी डिटेल मौजूद है। इस वक्त 360 रुपए का है मसूर की दाल, सही है, ठीक है। ये 280 रुपए केजी यहाँ पर है, 60 रुपए एक किलो पे जी, एक किलो के पीछे। वाह भाई, इसमें 80 से लेके 100 रुपए की बचत है किलो पे, किलो पे पीछे बात कर रहा हूँ। ये देखिए कोई कलका शंकर नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल ए नंबर वन क्वालिटी। अच्छा अभी भाई दाना बड़ा है, दाना बड़ा है, टोटा नहीं है। 270-260 रुपए का है, सही है, यहाँ पर 200 रुपए। जबरदस्त यार, 200 रुपए में अगर आपको ये वाले चावल मिल रहे, 270 रुपए बाहर है, 70 रुपए इसमें भी ऑफ हो गए ना जी। अच्छा 120 रुपए और आपको पता है मार्केट में 145 रुपए का है, लाजमी कहीं 147 भी है, चलो 140 भी है, किलो पे 20 रुपए तो ऑफ है। तो अभी कोट करा है अकील भाई कि 389 में ले जाओ एक लीटर, सबसे कम का मैंने करा है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकाला है। और ये 340 रुपए। अरे भाई ये देखो 340 रुपए में भाई आपको ऑयल मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो भाई क्या हाल है, खैरियत से ठीक ठाक है? तो भाई आज का सीन हमने कोई स्पेशल रखा है, मतलब के जो बचत बाजार लाने वाले अकील भाई, ठीक है, जो मरकज़े निगाह आप देख रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ऑन हो गया है। यहाँ के रेट्स और बाहर के रेट्स, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको रेट्स के मुताबिक के, अगर बाहर 450 रुपये का 800 ml आपको रूह अफ़ज़ा मिल जाएगा, मार्स पे या उन जगहों पे मिनिमम साइड पे 395 रुपये, हर कोई नहीं दे रहा, कोई पे भाई 370 रुपये का मिल जाएगा। 380 रुपये वाले चावल यहाँ पे 250 रुपये 200 रुपये, मतलब फुल टाइम बिरयानी के वो मिल जाएंगे। अच्छा जो मसाले हमने देखे हैं, आज हम थोड़ी बात अंदर भी करते हैं और दिखाते हैं आपको। सही जी अखिल भाई, जैसे ये दाल है, सही है, इस वक्त 360 रुपए का है मसूर की दाल, सही है, ठीक है। ये 280 रुपए केजी यहाँ पर है, आपको पक्का पता है 360 रुपए चल रहा होगा? 360 से ऊपर होगा, ऊपर ही होगा जी हाँ, नीचे नहीं होगा, नहीं नहीं, ठीक है। इसी तरह ये 260 रुपए 255 रुपए का ये है मूंग की दाल, सही है, हमारे पास 200 रुपए केजी है, 60 रुपए एक किलो पे जी, एक किलो के पीछे। वाह भाई ठीक है जी, भाई आप बचत चेक कर लो, आप आ सकते हैं, मना नहीं है। अब इसी तरह ये चने की, चना है ये सफेद, और इसकी आप क्वालिटी देखें आप। अच्छा वो वाला भी नहीं है ये, मेरे हिसाब से 9 mm है जी हाँ, ये चना देखें आप इस पे, ठीक है जी। अच्छा ये हमारे पास 300 है, सही, मार्केट में ये 380 रुपए का और 400 रुपए का, सही बिल्कुल, मतलब इसमें 80 से लेके 100 रुपए की बचत है किलो पे, किलो के पीछे बात कर रहा हूँ। चने की दाल है, ये चने की दाल की क्वालिटी देखें आप, जबरदस्त, दिल खुश हो जाए। ये देखें वाकई चुनना ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, जबरदस्त, ठीक है। और ये है 200 रुपए की। अच्छा बाहर 260-270 रुपए का, 70 रुपए आप इस पे कट जाओ। ये मलका मसूर आ गई, हाँ, एक तो सबसे पहले आप ये देखें, कोई कलका शंकर नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल ए नंबर वन क्वालिटी। अच्छा अभी क्या दे रहे हैं अखिल भाई? ये हम 280 रुपए दे रहे हैं, मार्केट जो है वो 320 और 330 रुपए, मतलब सीधा स्ट्रेट अवे 100 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फर्क है। अच्छा भाई ये हमारे पास काले चने आ गए जो कि रमजान में बेहद जरूरत है, ये 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो है काला चना मार्केट, और मार्केट जो है तकरीबन 235-240 की। माश की दाल कहते हैं इसको, सही है, ठीक है जी। ये है 520 रुपए मार्केट में, सही है, और 470 रुपए का यहाँ से ले लें, 470 रुपए का आप यहाँ से ले लें, मतलब 50 रुपए यहाँ पे आ गया जी हाँ। अच्छा अखिल भाई कुछ चावल आपके पीछे पड़े हुए, चावल ये है तकरीबन 380 रुपए केजी है, सालार है। चावल है 380 रुपए मार्केट में, सही है, दाना बड़ा बड़ा है यार। जी बहुत बेहतरीन है, ये हमारे घर में लॉन्ग ग्रेन है जी जी, मतलब अपने घर वाली चीज यहाँ पे जी जी, जो मेरे घर में यही बनता है, और ये है 300 रुपए हमारे पास, मतलब 70-80 रुपए, 80 रुपए इसमें किलो के पीछे। इसी तरह ये रोजमर्रा के चावल है रेगुलर यूज के लिए, हाँ। ये देखो भाई दाना बड़ा है, दाना बड़ा है, टोटा नहीं है, 270-260 रुपए का है, सही है, यहाँ पर 200 रुपए। जबरदस्त यार, 200 रुपए में अगर आपको ये वाले चावल मिल रहे, 270 रुपए बाहर है, 70 रुपए इसमें भी ऑफ हो गए ना जी हाँ। अच्छा अखिल भाई आटे का क्या कहते हैं आप? ये आटा है जो मार्केट में वो 1250 का, सही है, 10 kg का, 10 kg, और ये 1200 का, 1200 रुपए का आप दे रहे हैं, 1200 रुपए का हमसे, 1200 रुपए का आटा दे रहे हैं आप, ठीक है। चीनी अच्छा। है चीनी, अंदर चीनी रखी है, ये सारे दोबारा वो डाल रहे हैं भाई। ये देखो ये पूरा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह अखिल भाई ने दोबारा कर लिया है, और ये देखें ये पूरी पैकिंग चल रही है, ये हमारे दोबारा से भाई, ये देखें भाई हमारे मौजूद है, ये सारी टीम अपनी है, वही वाली टीम, वही वाली, वही, जबरदस्त, बहुत खुशी की बात है भाई। चीनी यार बताए ना थोड़ा सा, एक भाई उठा दीजिएगा जरा, स्टॉक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अकील भाई क्या कहते हैं चीनी के बारे में? 120 रुपए, और आपको पता है मार्केट में 145 रुपए का है, लाजमी कहीं 147 भी है, चलो 140 भी है, किलो पे 20 रुपए तो ऑफ है।
ये देखें इस तरीके की पूरी पैकिंग हो रही है, गोदाम वोदाम ये सारी चीजें मौजूद है, स्टॉक का सिलसिला बहुत ही जबरदस्त है। ये है अपना 200 केजी के है, ये है 470 480 रुपए का, यहाँ पर है, यहाँ पे 600 रुपए का मार्केट में, 600 रुपए का मार्केट में है भाई, 470 रुपए यहाँ पे। ये है 240 रुपए का, सही है, ठीक है, और मार्केट में ये मेरा ख्याल 30 रुपए ऊपर ही है, 30 रुपए ऊपर ही है। इसमें आपको ये भी सेम रेट है ना, इसके साथ कुछ ऑफर्स भी है, ये कुछ प्रमोशन वगैरह है कंपनी की तरफ से, वो भी नहीं रखते आप, दे देते हैं, वो हमें क्या करना, हम तो वैसे ही दे रहे हैं अपने, और ये क्या करना है भाई, और क्या, जैसे टपाल दानेदार है, फैमिली मिक्सर है, इसमें 20 रुपए तो ऑफ है, आप क्या दे रहे हैं? ये देखिए इस पे कीमत लिखी हुई है इसके ऊपर 380 रुपए, 380 रुपए लिखी हुई, ये 380 रुपए यहाँ लिखी हुई है, 350 रुपए का हमारे पास, जबरदस्त भाई, 20 रुपए की बचत भी, 350 रुपए यहाँ पे मिल जाएगा। अकील भाई ये इसका क्या कहते हो, 900 रुपए है, 100 रुपए हो गए जी जी, ये सामने, अच्छा इसके बड़े पे, अकील भाई इसका बड़ा ये है, इसमें बचत है, इसकी तो रेट मुझे 1570 रुपए का हम बेच रहे हैं, और ये लिखा हुआ है 1800 भाई, 1570 रुपए का एक किलो मिल रहा है, कैसे मिलेगा नहीं जानता है भाई, जबरदस्त, ये हमारे पास 370 रुपए का हम दे रहे हैं, और इस पे रेट जो होंगे लाजमी 450 ये लिखे हुए, ठीक है जी, 370 रुपए हम दे रहे हैं, और ये मार्केट में इस वक्त लोग कम से कम में बताए 430 का कंपनी आराम से, और आपने देखा होगा, आपने कुछ चेक करके आए, हाँ हाँ मैं तो पूरा सर्वे करके आया हूँ भाई, अच्छा, और ये टैंग है, ठीक है, ये टैंग आ गया 260 रुपए का, अच्छा अभी इसमें अंदाजन प्राइस है कहाँ लिखी है, ये प्राइस लॉन्ग एक्सपायरी भाई, ये भी देख ले, 300 रुपए का है, ये 300 रुपए का, सही है, ठीक है जी, और यहाँ पे और 260 रुपए का, 260 रुपए, इसमें वेरिएंट्स रखे हुए हैं सारे, हाँ ये रखे हुए ब्रांड वो है, कोई भी ले ले, सभी की रेट सभी, जबरदस्त भाई, ये देखिए ये आगे समझिए को क्या कहते हैं भाई, 300 ये 30 रुपए का पैकेट है, 30 रुपए का पैकेट है, तुम भाई कैसे, अच्छा सर ये बताएं कि अभी सिलसिला जो ऑन हुआ है, आप सामान वामान ले रहे हैं क्या, जी अभी सामान लेना है, ठीक है भाई, ये देखें इसमें कोई कैद है, वकील भाई दे रहे हैं सही रेट, जी पिछले साल आए थे हम रमजान में तो ऑफर सही थी, तो इस वजह से हम दोबारा आए, दोबारा आए, तो भाई अभी यहाँ से अपनी मर्जी का सामान ले रहे हैं इजीली, जो भी चीजें हैं, जी जी ठीक है भाई, तो देखें इस तरीके से यहाँ पे सामान दिए जा रहे हैं लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो अच्छा खासा इन्होंने दे दिया, जो जरूरत का सामान है वो इजीली यहाँ पे दे रहे हैं भाई, ये देखें पाकिस्तान स्टैंडर्ड कहलाता है ये, अच्छा इसकी एक्सपायरी वगैरह अकील भाई देख सकता है, देखें 900 ml आपको मिल जाएगा ये, और थोड़ी सी एक्सपायरी देख लेते हैं भाई, ये देखें एक्सपायरी चेक करें आपको, बकायदा 2025 भाईजान 24 का बना हुआ है, और 2025 लॉन्ग एक्सपायरी, तो ये क्या रेट हो जाएंगे, ये इस वक्त हम जो दे रहे हैं 340 रुपए का, मार्केट में 410 रुपए का, अरे मैं तो अभी कोट करा है अकील भाई कि 389 में ले जाओ एक लीटर, सबसे कम का मैंने करा है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकाला है, और ये 340 रुपए का, अरे भाई ये देखो 340 रुपए में भाई आपको ऑयल मिल जाएगा, इसी तरह ये घी है 1 किलो का है 1 kg, जबरदस्त भाई घी आ गया 1 kg, ये देखें भाई एक्सपायरी भी दिखा दूं आपको, ये पूरा 1 किलो है, ये पूरा स्टैंडर्ड, और ये पूरा 1 kg का है, हाँ ये कितने का मिलेगा, 1 kg बिल्कुल, ठीक है ये है 380 रुपए का, 380 रुपए का, 380 का दे, अच्छा मार्केट में क्या हिसाब होगा, ये 430-420 रुपए, 430-420 रुपए होगा, अच्छा 220 रुपए का डजन है, 220 रुपए का डजन, तो मार्केट क्या चल रही है, मार्केट कल ज्यादा थी आज थोड़ी सी कम हुई है, अच्छा तो मेरे से 260-265 रुपए भाई आज के रेट है, अंडों में फ्लक्चुएशन होती रहती है, 220 रुपए भाई अंडों पे आ गए, 220 रुपए दर्जन, क्या चीज है, लाल मिर्च, लाल मिर्च, अच्छा मुझे बाहर के रेट बताना और यहाँ के रेट बताना, बाहर मतलब इतनी अच्छी वाली मिर्च तो आपको क्या है 200 रुपए से कम की नहीं मिलेगी, हम यहाँ 80 की दे रहे हैं, 200 रुपए क्या, 200 रुपए की आधा पाव, आधा पाव बाहर मिलेगी जी, और ये यहाँ कितने की है, ये हम 80 की दे रहे हैं आधा पाव, जबरदस्त 80 के दे रहे हैं जी, सिर्फ 80 रुपए में यार, ये भी आधा पाव, जी जी सब आधा पाव के बगैर, क्या बात है यार, मतलब आप रेट का डिफरेंस देखो 120 रुपए, देखिए मिर्ची की क्वालिटी है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं ना सस्ता आ जाता है, वो मिर्ची की क्वालिटी नहीं जानते जी, ठीक है ये बेहतरीन क्वालिटी की है, 80 रुपए का आधा जी, जी आधा पाव, आधा पाव ठीक है, अब ये कुटी भी, ये भी 125 ग्राम यानी जी, ये भी 125 ग्राम है, आधा पाव 80 रुपए की, 80 रुपए की जबरदस्त, बाहर क्या रेट मिल रहे हैं भाई, ये दोनों में से एक ही मतलब रेट के साथ, और मैं लोगों को भी यही कहूंगा कि बाहर देख ले, 800 रुपए से 600 रुपए किलो है ये, 800 से 600 रुपए किलो है, अच्छा भाई ये भी 80 का पैकेट है, और ये भी 125 ग्राम है आधा पाव है, क्या ये पिसावा धनिया, पिसावा धनिया आ गया भाई, रेट आप लोग खुद चेक कर ले मार्केट पे, अभी यहाँ 80 रुपए का मिला है 125 ग्राम, हल्दी आ गई है ये भी 80 रुपए की है आधा पाव, आधा पाव 80 रुपए की आ गई, ये भाई ये साबुत धनिया है, ये भी 80 रुपए का है आधा पाव, आधा पाव
ठीक है, ये साबुत मिर्च कहलाती है ना जी, ये 80 रुपए की है, 50 ग्राम, 50 ग्राम 80 रुपए की। अच्छा बेटा इमली बताओ, इमली 50 रुपए की है, 100 ग्राम, 50 रुपए की, देखो 100 ग्राम। अच्छा ये इमली वाकई ही जबरदस्त है जी, जी ताजी इमली है, ब्राउन ब्राउन होती है ताजी इमली। ठीक है भाई, ये अच्छा मरकजी निगाह पे जो है ना ये क्वालिटी बेहद अच्छी होगी। अच्छा मसालों के बारे में बताओ बेटा, अभी तो सारी चीजें बिक गई है, फिर भी तुम्हारे पास क्या क्या मौजूद है? गर्म मसाला होता है, जीरा होता है, सफेद जीरा। अच्छा अगर गर्म मसाला 125 ग्राम ले तो क्या हिसाब, 125 ग्राम होता है या पैकेट होता है? हम उसका पैकेट बनाते हैं 50 ग्राम का, जो तकरीबन 80 या 100 का होता है, 80 या 100 का होता है। और क्या मसाले होंगे? और बाकी काली मिर्च, जीरा वगैरह। काली मिर्च क्या हिसाब होगा? काली मिर्च का भी मैं 100 का पैकेट बनाएंगे, क्योंकि आए नहीं था तो आएगा तो उसके रेट फ्लक्चुएट होते रहते। अच्छा काली मिर्च मिल जाएगा और जी, और बाकी साबुत गर्म मसाला, जीरा और लौंग इलायची वगैरह, और बाकी हमारा साबुन होता है और सर्फ होता है बाकी। अच्छा वो भी इसी हिसाब से मिलेंगे 80 रुपए के हिसाब से? 80-100 इस तरह मैक्सिमम। तो भाई और भी मसाले आपको इसी कीमत में मिलेंगे, जो बाहर 200-200 रुपए के मिल लें, काली मिर्च ले लें और बाकी जीरा, जीरा गरम मसाले, वो सारे आपको इस हिसाब से 80 रुपए पे मिल जाएंगे। अच्छा कुछ सर्फ है कराची वाले, आप ये सर्फ भी देख सकते हैं। सर्फ ये सर्फ 1 किलो कितने का होगा? 170 का, और ये बेहतरीन सर्फ है। हाँ ये तो भाई यूज करा है, हमने भी यूज करा है, ये सर्फ नो डाउट जबरदस्त है। ऑन कर लो, बस एक ले लो, अभी सब यकीन आ जाएगा। ऑन है। अच्छा अच्छा बाहर मरकज ही नहीं गए ना बेटा, एक दफ़ा वो ले लेते हैं। आओ बेटा मैं यहाँ पे आता हूँ, तुम ऊपर से लेके यहाँ पे आओगे। हाँ इसको एक मिनट ऊपर से बेटा। अच्छा तो भाई यहाँ पे आपको चिकन भी मिलेगी भाई, है सच है चिकन है, जिंदा है ये? बिल्कुल है। अच्छा एक बाहर निकालिएगा भाई, मैं सिर्फ सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि चिकन कैसी है, चिकन हेल्दी है या नहीं है। ये अच्छा हो यार जबरदस्त, देखो भाई बिल्कुल साफ सुथरी चिकन हो रही है। अच्छा तो भाई रख दे इसको, वापस करते हैं इसको अपने घर में जाने दे। मुर्गियों के जो रेट हैं वो आगे पीछे हो रहे थे, मगर मरकजी निगाह अकील भाई के बचत बाजार में आज 600 रुपए केजी है। हम भाई से भी बात कर लेते हैं, भाई आज चिकन क्या है? चिकन है 600 रुपए किलो। 600 रुपए बाहर आज क्या रेट है? बाहर आज का रेट है 650 रुपए किलो। आज क्या डेट है भाई? आज डेट है 3 तारीख है, 3 मार्च। 3 मार्च तो भाई आज के ये रेट है 600 रुपए। अब आप खुद देख लो आपके पास क्या है यार, इसमें 600 रुपए में क्या है? होल मुर्गी है, क्या है? होल चिकन है, गोश है। गोश है जी, बगैर कलेजी पोटे का गोश है, 600 रुपए किलो। हाँ मना लोग भाई फजूल में वो कर देते हैं ना, बदियांती कर देते हैं, कचरा डाल देते हैं ये सब, तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल, साफ सुथरा गोश मिलेगा। बिल्कुल साफ सुथरा भाई, सबसे अच्छी बात है साफ सुथरा गोश मिलेगा, क्योंकि इसमें आपके ग्रामेज मारे जाते हैं। तो भाई आप ये चिकन भी यहाँ से ले सकते हैं।